इस 13वीं विधानसभा में मुझे अध्यक्ष विधानसभा के पद की जिम्मेदारी संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान आप सबके सहयोग से मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी सत्यनिष्ठा से करने का प्रयास किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विधानसभा सदस्य, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिक से अधिक मौका दिया गया। यदि आप हरियाणा विधानसभा के पिछले 25 वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इस सदन की सर्वाधिक बैठकें आयोजित की गई, जिसका श्रेय मैं मौजूदा सरकार को देता हूँ। इसके साथ ही मुझे हरियाणा प्रदेश स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा विधानसभा के सभी मौजूदा विधायकों को सम्मानित करने का अवसर मिला। इन जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर मुझे अति हर्ष का अनुभव हुआ। इसके साथ ही मैं आप सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस गरिमा सदन को गरिमा को बरकरार रखते हुए इस सदन की विभिन्न बैठकों में जनहितैषी विषयों पर चर्चा की, जनसाधारण की समस्याओं का उठाया तथा सरकार के द्वारा भी विभिन्न जनहितैषी योजनाएँ लागू की गई व लोकहित में अनेक विधेयक पारित किए गए। इन सभी कार्यों के लिए मैं आप सभी सदस्यों व हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सदस्यगण, प्रत्येक सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही पूरे प्रदेश का भी विभिन्न समस्याओं व मांगों को इस सदन के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करता है, जिसके चलते इस सदन में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों में कई बार आपसी नोकझोंक हो जाती है या कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी हो जाती हैं जिनको इस सदन की गरिमा के अनुकूल अमर्यादित कहा जा सकता है। किसी भी सदस्य द्वारा यदि ऐसी टिप्पणी की गई हो तो कोई भी सदस्य कृपया इसे निजी तौर पर ना लेकर सदन तक ही सीमित रखते हुए एक अच्छी स्वच्छ राजनीतिक सोच वाले राजनेता, जनप्रतिनिधि व समाज सेवक होने का संदेश दे, ताकि हम हरियाणा की इस पवित्र धरा पर और नए विकास के आयाम स्थापित कर सकें। मैं एक बार फिर दोबारा आप सभी सदस्यगणों का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महान सदन की गरिमा को बनाए रखने व जनहित कार्य हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन की कार्रवाई को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व हरियाणा विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस महान सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।